Dear friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind and here I am in front of you to give you grammar lesson. And today the lesson is again syllable, because in my previous video I have already taught you about syllable, kinds of syllable. If you have not viewed that video, then you must view that video and know kinds of syllable. And today again we will learn types of syllable. So let's get started. Syllable, division of words and two syllables. तो syllable में word का क्या division होगा? तो देखिए, a word can consist of one or more than one syllable. एक word में एक से अधिक syllable हो सकता है. To count number of syllables, we should count number of vowel sounds. Word में कितने syllable है इसको count करने के लिए हमें उस word में कितने vowel sound use किए गए हैं उसको count करना पड़ेगा. जैसे एक उदाहरण है, तो एक word है यहाँ पर characterization, इसमें कितने vowel हैं इसको हम समझेंगे और जितने vowel होंगे उतने ही इसमें syllable होगा. जैसे यहाँ देखिए A है तो CHA एक सिलेबल हो गया, आर ए सी रिक हो गया दूसरा सिलेबल हो गया, टी ई एक और सिलेबल हो गया, ट आर आई रई, जेड ए जे टी आई एन शन. तो कितने सिलेबल के हो गए? एक दो तीन चार पांच छः. तो चलिए छह सिलेबल का हो गया. हम क्या समझेंगे कि जिस वर्ड में जितने वाउल होंगे उतना ही वह सिलेबल में डिवाइड हो सकता है. अब उसके बाद देखिए, द सिलेबल बाउंड्री इज टू बी मार्क्ड विद अ हाइफन बिटवीन द डबल लेटर्स इन वर्ड्स. तो कभी कभी क्या होता है कि वर्ड में डबल लेटर आ जाता है. तो डबल लेटर जब आएगा तो हम फिर डबल लेटर को हम कैसे डिवाइड करेंगे सिलेबल में? तो इसका तरीका है, जैसे हम यहाँ देखिए ए डबल सी ई पी टी, तो ए डबल सी ई पी टी में एक वाउल है सबसे पहले, उसके बाद दूसरा वाउल है बीच में और यहाँ पर डबल सी है. तो इसको हम क्या करेंगे, डबल सी जहाँ पर होगा तो एक सी को हम एक सिलेबल में जोड़ देंगे या दूसरे सी को दूसरे सिलेबल में जोड़ देंगे. जैसे यहाँ देखिए ए सी एक सी पी टी सेप्ट, तो यहाँ बीच में हाइफन दे दिए दो डबल साउंड डबल लेटर के बीच में, तो यहाँ क्या हुआ एक सेप्ट दो सिलेबल का वर्ड हो गया. इसी तरह से इसमें देखिए एकोमोडेट, तो एकोमोडेट में क्या है, यहाँ डबल सी है और डबल एम है, तो यहाँ क्या हुआ ए सी एक सिलेबल, सी ओ एम दूसरा सिलेबल, एम ओ तीसरा सिलेबल, डी ए टी डेट एकमो डेट चार सिलेबल का हो गया वर्ड. मतलब हम क्या करेंगे, हाइफन से डबल लेटर को हटा देंगे सिलेबल में और अलग अलग सिलेबल में इसको बांट देंगे. उसके बाद है द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबल. द सिलेबल का क्या स्ट्रक्चर होगा? The vowel element is obligatory in a syllable. मतलब syllable में vowel sound अनिवार्य है. Syllable में vowel sound जरूरी है. If there is syllable of only one sound, the sound will be a vowel. यदि syllable एक ही sound का होगा तो वो sound हो जाएगा vowel. जैसे यहाँ I है आई आई अ ई वाई ई, तो यहाँ क्या है ये भी एक ही वाउल साउंड है ए ई वाई ए, ए आई आर एयर, रॉ का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है एयर. तो क्या हो गया कि एक ही साउंड का अगर वर्ड होगा तो एक ही सिलेबल का होगा. उसके बाद देखिए द वाउल इज देयर फॉर नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल. तो क्या होता है कि यदि वर्ड में वाउल है तो उस वाउल को उस वर्ड का न्यूक्लियस माना जाता है.
क्योंकि बिना वाउल का सिलेबल हो नहीं सकता है, इसलिए। उसके बाद है द कंसोनेंट्स ऑक्यूपाई द मार्जिनल प्लेस इन अ सिलेबल। द कंसोनेंट विच बिगिंस अ सिलेबल इज कॉल्ड द रिलीजिंग कंसोनेंट। ताकि वर्ड में जो वाउल होता है, अगर वाउल के पहले जो कंसोनेंट होगा उस कंसोनेंट को और उसके बाद जो कंसोनेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ कह रहा है कि द कंसोनेंट्स ऑक्यूपाई द मार्जिनल प्लेस इन अ सिलेबल। जो वर्ड में जो सीमांत जगह होता है, मार्जिनल प्लेस होता है वाउल के आगे या पीछे, उस कंसोनेंट को हम दो नामों से जानते हैं। पहला क्या हो गया, द कंसोनेंट विच बिगिन्स अ सिलेबल, जो कंसोनेंट सिलेबल को बिगिन करता है मतलब जो शुरू में आता है उसको हम रिलीजिंग कंसोनेंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ डू रॉ सी, डी ओ आर ए डब्ल्यू एस डब्ल्यू, इसमें डी आर एस आर रिलीजिंग कंसोनेंट, इसको हम क्या कहेंगे, रिलीजिंग कंसोनेंट कहेंगे। उसके बाद क्या है, द कंसोनेंट दैट एंड्स ए सिलेबल इज नोन एज द अरेस्टिंग कंसोनेंट। वह कंसोनेंट जो एंड में आता है उसको हम क्या कहते हैं, तो अरेस्टिंग कंसोनेंट कहेंगे। जैसे यहां बी ओ ए टी एन ओ ए सी जी ई टी, इसमें टी एस ई का ज हो गया और फिर यहाँ टी हो गया, आर अरेस्टिंग कंसोनेंट। जैसे बोट नोज गेट, एन ओ ए सी एस ई का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन होता है ज, इसीलिए यहाँ जेड हो गया, ये हो गया अरेस्टिंग कंसोनेंट। और फिर देखिए ऑब्लिगेटरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर वी, मतलब जो वाउल अनिवार्य रूप से आना चाहिए उसको हम लेटर वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, एंड द मार्जिनल एलिमेंट बाय द लेटर सी। और जो कंसोनेंट होता है मार्जिनल में आता है, जो कंसोनेंट जो मार्जिनल में होता है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, द सिलेबल सीट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सी बी सी। अब देखिए यहां पर सीट, यहां क्या है सीट, तो एस सी कंसोनेंट हो गया, डबल ई वी हो गया, ये हो गया ऑब्लिगेटरी, और फिर यहां पर सी हो गया मार्जिनल कंसोनेंट हो गया, तो सी बी सी से हम इसको डिनोट करेंगे। तो इस तरह से देखिए टाइप्स ऑफ सिलेबल, तो सिलेबल के क्या टाइप है, सिलेबल टाइप एग्जाम्पल, जैसे कि वी हो गया, तो वी हो गया ऑब्लिगेटरी में, तो ई वाई ई एक ही साउंड का है, आई अ आई ईयर। इस तरह से वी सी में, मतलब वी ऑब्लिगेटरी और सी हो गया मार्जिनल वॉवेल कंसोनेंट, ई ए टी जिसे वी ई ए हो गया वॉवेल हो गया और सी हो गया टी कंसोनेंट, ए सी एच ई, तो ए हो गया वाउल और सी एच ई का हो गया एक, एक साथ इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ए डबल एल, ए हो गया वाउल और सी हो गया यहाँ पर डबल एल हो गया, अल कंसोनेंट हो गया मार्जिनल में आता है। इसी प्रकार हो गया सी बी में, जैसे कंसोनेंट पहले आया ए आई है, इसको पढ़ेंगे एस ए डब्ल्यू शॉ टी ई ए टी, पहले कंसोनेंट है फिर उसके बाद वाउल साउंड है। सी बी सी में हो गया जैसे B हो गया C कंसोनेंट, V हो गया वाउल, N हो गया C, बन पिट मिस। जैसे यहाँ देखिए C V C C C, मतलब पहला हो गया कंसोनेंट, ये कंसोनेंट हो गया, ये वाउल हो गया, E हो गया, X हो गया यहाँ C C, मतलब X को हम ऐसे पढ़ेंगे K S, और फिर T S T S हो गया, तो चार यहाँ कंसोनेंट हो गया साउंड। फिर टी एम पी टी एस में हो गया सी कंसोनेंट हो गया, ई वॉवल हो गया, और चार यहाँ पर कंसोनेंट है एम पी टी एस। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ सिलेबल में, सिलेबल टाइप में और एग्जांपल में आप लोगों ने जान लिया, हमने बताया आपको। किसी वर्ड में कितने सिलेबल है इसको समझने के लिए हमें दो तरीकों को अपनाना चाहिए, बहुत सिंपल तरीका है। एक है उस वर्ड को हम क्लैपिंग करेंगे और देखेंगे कि कितने बार वो क्लैपिंग होता है और कितने क्लैपिंग में वो वर्ड ख़त्म हो जाता है। तो जितने क्लैपिंग में ख़त्म हो जाएगा उतने सिलेबल का वर्ड होगा। दूसरा है कि हम अपने
चिन के नीचे हाथ को इस तरह से रखेंगे और फिर उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और देखेंगे कि हमारा चिन जो है कितने बार नीचे ड्रॉप करता है। जितने बार ड्रॉप करेगा उतना सिलेबल होगा। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ देखिए कैरेक्टराइजेशन, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 छः सिलेबल हुआ। तो हम करेंगे कैरेक्टराइजेशन, छः बार हुआ कैरेक्टराइजेशन। वैसे जब हम सिलेबल को देखते हैं वर्ड में, किसी वर्ड में हम सिलेबल को डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो कंसोनेंट साउंड होता है, सिंगल कंसोनेंट साउंड होगा उससे हम शुरू करेंगे और फिर लास्ट में जो डबल कंसोनेंट साउंड होगा उससे हम अंत करेंगे। वैसे इसका कोई खास नियम नहीं है। जैसे आप एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि ए बी आई एल आई टी वाई, दूसरा वर्ड ले लेते हैं डी आई एस सी यू डबल एस डिस्कस, एम आई एस टी ए के ई मिस्टेक। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए बी एब इल एट ए, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं और ऐसे हम कर सकते हैं ए बी ली टी। उसके बाद है डिस्कस में है डी आई एस डिस्क सी यू डबल एस कस, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी आई एस सी यू डबल एस डिस एस। इसी प्रकार है मिस्टेक में एम आई एस टी ए के, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम आई एस टी ए के ई। ऐसे भी हम सिलेबल को दिखा सकते हैं किसी वर्ड में। तो देखिए तो आप लोगों ने आज यह समझ लिया है कि डिवीजन ऑफ सिलेबल क्या है, टाइप्स ऑफ सिलेबल क्या है, और किसी वर्ड में हम कैसे वाउल और कंसोनेंट की मदद से सिलेबल को डिवाइड करके, हम हाइफन लगा करके हम सिलेबल को समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।